सारे हम प्रोडक्ट यूज़ करते हैं जैसे फाउंडेशन और लिपस्टिक और मस्कारा, ये तो हमारा कंपलसरी होता ही है। तो चलिए जल्दी से बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्टली मेकअप करने से पहले हमें अपने हेयर को सिक्योर कर लेना है कोई भी हेयर बैंड यूज़ कर, जिससे कि जब हम मेकअप करें तो एक भी हेयर हमारे फेस पर ना आए। अब फर्स्टली हम इसमें यूज़ करेंगे मेकअप प्राइमर। सो इफ़ यू डोंट हैव मेकअप प्राइमर यू कैन ऑल्सो यूज़ एलोवेरा जेल। इसका वर्क बिल्कुल सेम होता है, लेकिन मैं यहाँ पर प्राइमर यूज़ कर रही हूँ। सो प्राइमर यूज़ करना बहुत ही मस्ट है, क्योंकि ये हमारे ओपन पोर्स को मिनिमाइज़ करता है, जो कि फाउंडेशन से पहले करना बहुत ही ज़रूरी है। फिर उसके बाद मैं फाउंडेशन यूज़ करूँगी, तो यहाँ पर मैं मेबलिन फिट मी का, ये मेरी स्किन पर बिल्कुल परफेक्टली सूट हो जाता है। सो जो आपकी स्किन पर सूट करता है शेड, आप वो वाला फाउंडेशन यूज़ कीजिए। और ये फाउंडेशन काफ़ी अच्छा है, सो आप इस फाउंडेशन को ऑल टाइम यूज़ कर सकते हो, जैसे पार्टी में भी यूज़ कर सकते हो और डेली में भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये बिल्कुल भी ऑयली और ग्रीसी नहीं है। ये मॉनसून सीज़न चल रहा है और इसमें स्वेटिंग की बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, जिससे हमारा मेकअप बिल्कुल फैल जाता है, तो आप ये फाउंडेशन यूज़ कर सकते हैं। तो इसको अच्छे से अप्लाई कीजिए, और अगर आपके डार्क सर्कल्स हैं तो आपके लिए कंसीलर यूज़ करना मस्ट है, लेकिन मुझे यहाँ पर कुछ ख़ास ज़रूरत नहीं है कंसीलर की, तो मैं फाउंडेशन से ही कवर कर ले रही हूँ। और हमें अपने नेक पर भी लगाना है, क्योंकि हमारी नेक पर अगर हम नहीं लगाएंगे तो वो अलग से दिखेगी। तो जितना आपको फाउंडेशन अपने फेस पर लगा रहे हैं, आप उतना ही अपनी नेक पर भी लगाएँ। सो फाउंडेशन अप्लाई कर लिया है अच्छे से, उसके बाद हम लगाएंगे एलेटिन का ये फेस पाउडर। आप कोई भी ट्रांसलूसेंट पाउडर यूज़ कर सकते हैं, ये हमें बस अपने फाउंडेशन को सेट करने के लिए यूज़ करना है। तो आपको इसको बहुत ही कम क्वांटिटी में यूज़ करना है, जिससे कि जो स्वेट आता है वो इससे सेट हो जाए और हमारा फेस पे जो मेकअप है वो साफ़ ना हो। सो अब मैं यूज़ कर रही हूँ लॉरियल पेरिस का मस्कारा। तो मस्कारा लगाना बहुत ही ज़्यादा मस्ट होता है, क्योंकि हम जब डेली मेकअप करेंगे तो उसमें आईलैशेस तो यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन मस्कारा यूज़ कर सकते हैं। आईलैशेस तो हम जब यूज़ करते हैं जब हम कहीं पार्टी में जाते हैं, तो इसलिए आप अपनी मस्कारे को लगाइए और अपनी अपर लैशेज़ एंड लोअर लैशेज़ दोनों में मस्कारे को लगाइए। एंड देन फिर मैं इसमें ले रही हूँ क्रेयॉन लिपस्टिक, तो इसको मैं ब्लश की जगह पर यूज़ करूँगी और अपने आई शेडो की जगह पर भी मैं इसको यूज़ करूँगी। अच्छे से इसको अपने चीक्स पर अप्लाई कीजिए, और आप थोड़ा सा पिंकिश लुक देने के लिए अपनी आईज़ पर भी इसको अप्लाई कर लीजिए, और आप चाहें तो ब्रश की हेल्प से इसको स्प्रेड कर ठीक से लगा सकते हैं। मैंने इसको फिंगर से ही कर लिया है। अब ब्लश के बाद यहाँ पर मैं अपनी आई लैशेज को कर्ल कर रही हूँ, जिससे ये और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखें। और लास्ट में अपने मेकअप को कंप्लीट करने के लिए हम लिपस्टिक को लगाएंगे, तो यहाँ पर मैं लिक्विड लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ, और अगर आप चाहें तो क्रेयॉन लिपस्टिक भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि हमने चीक्स पर लगाई थी। लिपस्टिक आपको लाइट कलर की ही लगानी है, क्योंकि यहाँ पर हम डेली मेकअप कर रहे हैं। और लास्ट में मैं अपनी आईब्रोज़ को सेट कर रही हूँ आईब्रो ब्रश से, और अगर आपकी आईब्रो बहुत ही हल्की हैं तो फिर आप आईब्रो पेंसिल का भी यूज़ कर सकते हैं। और अब देखिए हमारा लुक क्रिएट हो गया है, एकदम आसानी से हमने मेकअप कर लिया। सिर्फ 5 मिनट में हमारा इजी मेकअप लुक है, हम इसको कॉलेज, ऑफिस और डेली में यूज़ कर सकते हैं। जिससे कि आपके पास सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।